जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। हम उनका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि वो आज समय निकाल के बस एक मिनट, मैं कपिल सिब्बल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने हमने उनको इनवाइट किया, हमारे इनविटेशन पे वो स्पेशली आज जिस मकसद के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, जो केंद्र सरकार ने दिल्ली के लोगों का अधिकार छीनने के लिए अध्यादेश जारी किया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को उन्होंने खारिज कर दिया, उसको समझाने के लिए और क्या वो सही है गलत है, मैंने स्पेशली कपिल सिब्बल साहब को आमंत्रित किया था। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने हमारा इन्विटेशन स्वीकार किया। मैं पूरे मान और सम्मान के साथ कपिल सिब्बल साहब को इनवाइट करना चाहता हूं। अरविंद जी अभी लास्ट में बोलेंगे, तो आप सब लोग ध्यान से सुने। मेरे भाई और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी मंच पे बैठे हुए, दिल्ली सरकार के मंत्री मंच पे बैठे हुए, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, भाइयों और बहनों, मुझे याद है 2014 से पहले जब हम यूपीए सरकार में थे, उस समय अरविंद केजरीवाल जी हमारी मुखालफत करते थे और हमें लगता था कि गोदी मीडिया उनके साथ है, लेकिन समय बदल गया, सरकारें बदल गई, प्रधानमंत्री बदल गए और गोदी मीडिया भी शिफ्ट कर गया। अब गोदी मीडिया सरासर मोदी जी के साथ है। कई और चीजें भी बदल गई। उन्होंने कहा था कि आपने कांग्रेस को 60 साल दिए, केवल हमें 60 महीने दो कि हम हिंदुस्तान की कायाकल्प बदल देंगे, हिंदुस्तान को बदल देंगे, हिंदुस्तान को इतना प्रतिज्ञाशील बना देंगे, इतना प्रगतिशील बना देंगे कि विश्व देखता रह जाएगा। 60 महीने नहीं, उनको लगभग 120 महीने मिले और इन्होंने हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया। इनको केवल मीडिया ने, उन्होंने केवल मीडिया को गोदी मीडिया नहीं बनाया, सब संस्थाओं को गोदी बना दिया, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे कोई भी संस्था हो, जुडिशरी के अलावा इन्होंने सबको अपनी गोदी में बैठा दिया। उसका नतीजा यह क्या हुआ कि लोकतंत्र खतरे में है, भाईचारा खतरे में है और जो इनकी मन मर्जी होती है वो करते हैं। आज मैं आपके सामने एक निर्दलीय सांसद के रूप में खड़ा हूं और मैं सोचता हूं और जानता हूं कि वक्त आ गया है कि सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर मोदी जी का सामना करना होगा। जिस तरह से मोदी जी शासन चला रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार बच पाएगी। आपको याद होगा कि हमेशा मोदी जी मंच पे कहते हैं कि मुझे एक डबल इंजन सरकार चाहिए। अब डबल इंजन सरकार का मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि हर प्रदेश में मेरी सरकार होनी चाहिए, केंद्र में मेरी सरकार हो, हर प्रदेश में मेरी सरकार हो, तभी तो डबल इंजन सरकार होगी। इसका मतलब लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है कि सारी ऑपोजिशन को खत्म करना, सारे प्रदेशों को अपने कब्जे में ले लेना, यही है लक्ष्य। लेकिन डबल इंजन सरकार बनेगी नहीं। मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूं
कि ये सरकार डबल इंजन सरकार कभी हो ही नहीं सकती, केवल ये डबल बैरल सरकार है। डबल बैरल क्यों? एक बैरल तो ईडी और दूसरा बैरल सीबीआई। अब इन्होंने दिल्ली के साथ क्या किया, उस बात पे मैं अब आना चाहता हूं। आपने मुख्यमंत्री जी को चुना, दिल्ली सरकार में इतनी बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी आई, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी यहां शासन कर रही है तब से इनका इरादा यह है कि किसी तरीके से इस शासन को चलने ना दो। आपको मालूम है कि संविधान में, क्योंकि दिल्ली एक राजधानी है, इसलिए मैं सरल तरीके से आपको समझाना चाहता हूं। मैं कोई कानूनी बात नहीं करूंगा, लेकिन ऐसी बात करूंगा जो आपको समझ आए। संविधान हमारा ये कहता है कि तीन चीजें केंद्र सरकार के हक में होंगी, इसके बारे में राज्य सरकार जो है, जो केजरीवाल की सरकार है, उसमें दखलअंदाजी नहीं हो सकती। पहला तो जमीन, लैंड। ये क्यों? क्योंकि अगर दिल्ली जो हमारी राजधानी है वहां एक डेवलपमेंट होगी, और किस तरह से मकान बनेंगे, किस तरह से इमारतें बनेंगी, तो उसका सारा पावर जो है वो केंद्र सरकार को है, वो सही नहीं है। दूसरा, पुलिस। यहां कोई दंगे हो जाए, यहां कोई फसाद हो जाए, तो क्योंकि राजधानी है, पुलिस की पावर भी केंद्र सरकार को होगी। और तीसरा, पब्लिक ऑर्डर, जिसको हम कहते हैं सार्वजनिक व्यवस्था। जहां तक पब्लिक ऑर्डर का भी सवाल है, वो भी पावर केंद्र सरकार को होगी। इसके अलावा कोई पावर केंद्र सरकार को नहीं होगी। केंद्र सरकार का हमेशा ये प्रयास रहा है कि किसी तरीके से भी सारी पावर खुद में समेट, और जो आपकी गिनी चुनी हुई सरकार है उसको जीरो बना लें। हमेशा से ये इनका लक्ष्य रहा है, लेकिन जनता इनके साथ है। जनता भाजपा के साथ नहीं है, जनता मोदी जी के साथ नहीं है, जनता अरविंद केजरीवाल के साथ है। ये बात इनको गले में अटकी हुई है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, और ये कहने लगे कि जो भी ब्यूरोक्रेट हैं, जो भी अधिकारी हैं, वो भी हम चुनेंगे, और जो हम कहेंगे वो करेंगे। तो मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आपने फिर दिल्ली को एक लेजिस्लेटिव असेंबली क्यों दी? अगर आपने सारी पावर ही अपने हाथ में रखनी है, तो फिर आप इसको यूनियन टेरिटरी की तरह चलाना चाहते हो। आपको मालूम है कि चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, आपको मालूम है कि कई ऐसी जगह हिंदुस्तान में है जो यूनियन टेरिटरी रही हैं, और वहां कोई असेंबली नहीं है। असेंबली बनाने का मतलब क्या था? असेंबली बनाने का यही मतलब था ना कि जो लोग चाहें वही काम हो, लेकिन यहां लगता है कि जो मोदी जी चाहते हैं वही काम होना चाहिए। ये तो ना तो जनता को स्वीकार होगा, ना हमारे लोगों को स्वीकार होगा, ना हमारी देश की जनता को स्वीकार होगा। तो इन्होंने बड़ा प्रयास किया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, पहले 5 जजेस ने फैसला किया, उसके बाद दोबारा फैसला हुआ, दोबारा 5 जजेस का फैसला हुआ, और इन्होंने कोशिश ये की कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को द्वारा जो भी, देखिए किसी भी मंत्री के नीचे एक सेक्रेटरी होता है, जो भी मंत्री और जो भी सरकार के फैसले होते हैं उन फैसलों का पालन सेक्रेटरी को करना पड़ता है, लेकिन इन्होंने ये तय कर लिया कि सेक्रेटरी भी हम बनाएंगे और जो हम कहेंगे वो सेक्रेटरी करेगा, लेकिन मंत्री का कहना नहीं मानेगा। इन्होंने ये कोर्ट के सामने रखा, कोर्ट ने कहा ये असंवैधानिक है, ये गलत है, क्योंकि फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट का, लेजिस्लेटिव असेंबली का, मंत्रिमंडल का फायदा ही क्या है? अगर सारी चीजें आप ही ने करनी है तो फिर आपने चुनाव क्यों कराया? तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि जहां तक अधिकारियों का सवाल है, जहां तक सेक्रेटरी होम का सवाल है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का सवाल है, सेक्रेटरी टू डिपार्टमेंट का सवाल है, वो सेक्रेटरी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी मंत्रिमंडल को होगी, मतलब कि जो मंत्रिमंडल कहेगा, जो मंत्री कहेगा, उसका पालन उनको करना पड़ेगा।
ये फैसला हो गया, ये 11 मई 2023 को ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। और फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने 19 मई को एक अध्यादेश जारी कर दिया। उस अध्यादेश के अंतर्गत इन्होंने कहा कि चाहे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो, जो सुप्रीम को कहा हो, हम जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का जो एक्ट है 1991 का, उसमें संशोधन करते हैं और उसके अंतर्गत हम एक कमेटी का गठन बनाते हैं। एक कमेटी में कौन होगा, एक तो मुख्यमंत्री जी चेयरमैन होंगे, उसके साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम होंगे और उसके साथ चीफ सेक्रेटरी होंगे, और साथ में कानून में यह कह दिया कि जो फैसले होंगे अगर आम सहमति से नहीं होते तो मेजॉरिटी से फैसले होंगे, और अगर मेजॉरिटी से फैसले होंगे तो दो तो वहां ब्यूरोक्रेट हैं, एक प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी और एक चीफ सेक्रेटरी, वो किसके ब्यूरोक्रेट हैं, वो केंद्र सरकार के ब्यूरोक्रेट हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो लोग जो इस कमेटी में शामिल हैं उनका फैसला चुनी हुई सरकार के खिलाफ भी हो सकता है। मतलब के आप मुख्यमंत्री जी की तौहीन कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री का जी का फैसला नहीं चलने वाला तो फिर इसका मतलब यही हुआ कि ब्यूरोक्रेसी ही देश ही दिल्ली चलाएगी। इसका मतलब जो मुख्यमंत्री जी कहेंगे उसकी बात नहीं मानी जाएगी, और अगर बात नहीं मानी जाएगी और अवैध हो कुछ तो उसके बाद जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो अपने तौर पे खुद फैसला करेगा। ते पावर सारी लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी, अगर आम सहमति नहीं हो तो मंत्रिमंडल को जीरो कर दिया, चीफ मिनिस्टर को जीरो कर दिया, पावर ब्यूरोक्रेट्स को दे दी और फैसला केंद्र सरकार करेगी। तो फिर आपने काहे को असेंबली बनाई, काहे को आपने चुनाव लिया, काहे को आपने मंत्रिमंडल बनाया, ये कौन सा मजाक हो रहा है हिंदुस्तान में, ये संविधान का मजाक हो रहा है, ये किस किस्म के कानून है। और आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों ने कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला अध्यादेश द्वारा कानून द्वारा रद्द नहीं कर सकते, वो उनके हक में नहीं है, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ये रद्द नहीं कर सकते। तो मुझे मालूम है कि आप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है कि इस अध्यादेश को रद्द करना चाहिए, ये असंवैधानिक है। तो मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द करेगी, इसको खत्म करेगी, क्योंकि मैं समझता हूं कि जो अध्यादेश ये कह दे कि जो चुनी हुई सरकार है उसके निर्णय नहीं माने जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्यूरोक्रेट कहता है उसके कहने माने जाएंगे, तो इसका मतलब के असेंबली का कोई मतलब ही नहीं। और केवल यही नहीं, हर एक मंत्रिमंडल के अंदर एक ब्यूरोक्रेट होता है, एक सेक्रेटरी होता है, उसकी भी नियुक्ति ये लोग करेंगे, उसके 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 हक क्या होंगे ये भी ये लोग करेंगे, और अगर इसमें भी कोई मतभेद हो कमिटी में तो वो भी फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर करेगी। मैं तो आज मैं यहां आया हूं इसलिए आया हूं कि मैं समझता हूं कि जब जब भी संविधान पे आक्रमण होता है तो हम लोगों को इकट्ठा होकर खड़ा होना चाहिए। मैं एक निर्दलीय सांसद हूं, मैं किसी पार्टी से जुड़ा रहा नहीं हूं, अखिलेश जी की वजह से उन्होंने मुझे निर्दलीय रूप में यहां पार्लियामेंट में भेजा है, और मेरा मकसद ये रहेगा कि आने वाले दिनों में हर प्रदेश में जाकर मैं ये बात कहूंगा कि वक्त आ गया है कि हम सबको एकजुट होकर मोदी जी के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं आज आपको एक मन की बात बताना चाहता हूँ, मोदी जी हमेशा बच्चों को मन की बात बताना चाहते हैं, मैं भी आपको मन की बात बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जनता इनको पसंद नहीं करती, जनता इनको नहीं चाहती, जनता कहती है काफी हो गया, आपको बड़ा वक्त दे दिया, आप तो एक अमीरों के प्रधानमंत्री हैं, आम जनता के मामलों में तो आप दखलअंदाजी नहीं करते, जनता पिस रही है। मैं आपको सच बात बताऊं,
कि आज के दिन में कौन सा ऐसा विभाग है जिसमें आम आदमी का फायदा हुआ हो। इस देश में 10% लोगों की जो संपत्ति है, 10% लोगों की जो संपत्ति है वो देश के जो 76% संपत्ति है वो 10 लोगों के पास है। 76%, 80 करोड़ लोग यहां 10,000 से कम पर माह कमाते हैं। तो ये कौन सा देश है, किसकी बात आप कर रहे हो? हम इंसाफ चाहते हैं और इसलिए मैंने कुछ ही महीनों पहले एक निर्णय किया था कि हम एक वेबसाइट चलाएंगे जिसका नाम होगा इंसाफ के सिपाही। मैं चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी अब आप कार्यकर्ता को बताइए कि सब इस वेबसाइट में शामिल हों, अपना नाम से शामिल हों, कहाँ रहते हैं वो शामिल करें, डिटेल शामिल करें ताकि हिंदुस्तान के इंसाफ के सिपाही बने। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है। जिस तरह से बेइंसाफी हो रही है हमारे देश में उसको हमें एकजुट होकर लड़ना है। बहुत वक्त ले लिया मैंने आपका, मैं आभारी केजरीवाल जी का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। मैं चाहता था कि आपके सामने आकर मैं ये तो बता दूं, आप लोग, हम लोग, सारे विपक्ष के लोग इकट्ठा होकर एक मंच 2024 में मोदी जी को हरा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।